तो आज का अपना जो टॉपिक है ये है नवीन लोक प्रशासन। तो नवीन लोक प्रशासन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये 6th वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, ये क्या है? ये एक वैचारिक आंदोलन है। ये क्या है? वैचारिक आंदोलन है। और किस लिए है ये आंदोलन? है किस लिए? तो ये आंदोलन है जो परंपरागत जो प्रशासन रहा है, उसकी जो संरचना है और उसका जो व्यवहार है, उसको कहता है कि आप दोबारा से इवैल्यूएशन करिए, पुनर्विलोकन। अब ये जो बात बोली जा रही है, इसका संदर्भ समझिए, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो बात है 1955 के बाद के अमेरिका की। अमेरिका में 1950 के बाद कुछ घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से अमेरिका के प्रशासन में, वहाँ के समाज में उथल पुथल मच जाती है। तो तीन घटनाएं हैं जिनका कि प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तीन घटनाओं में पहली घटना है कि वियतनाम के साथ अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरी घटना है, और ये युद्ध काफ़ी लंबा खिंच जाता है, और जो अमेरिका की काफ़ी सारी जनता थी उस युद्ध के समर्थन में नहीं थी। दूसरी घटना है कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो जाती है, असैसिनेशन होता है, और ये वहाँ के जो अश्वेत नागरिक थे उनके लीडर थे। तीसरा, जो कैनेडी थे राष्ट्रपति, उनकी हत्या हो जाती है, 35वें राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से ये जो तीन घटनाएं थीं, ये 1955 के बाद 1970 के बीच में ये तीन घटनाएं होती हैं। इस वजह से जो युवा राजनीतिक चिंतक थे अमेरिका के तत्कालीन समय के, उन लोगों के दिमाग में ये चिंता आई कि भाई चल क्या रहा है, प्रशासन में कुछ तो खामी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। होता क्या है कि जब भी कुछ समस्या आती है तो हमेशा विचार किया जाता है कि हमारे जीवन के या हमारे समाज के, हमारे देश के किस हिस्से में समस्या है, उसका निदान किया जाए। तो ये जब बात बोली जा रही है वैचारिक आंदोलन, तो ये इन्हीं घटनाओं के संदर्भ में आप इनको देखें। तो जो परंपरागत लोक प्रशासन चला आ रहा था, उसकी संरचना सही है या नहीं है, उसका व्यवहार सही है या नहीं है, इस पे फिर से अवलोकन करने की जो शुरुआत होती है, इसी को कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें बहुत सारे कारक जिम्मेदार रहे, तीन हमने आपको बता दिए। तो इन कारकों की वजह से जो लोक प्रशासन के सिद्धांत थे और जो व्यवहार था, उस पे बड़ी परेशानी हो रही थी वहाँ के युवा चिंतकों को। बड़े वो लोग असंतुष्ट थे, और ख़ासकर जो ये सिद्धांत होता था उस समय का लोक प्रशासन का, अनामता, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होंगे, जो सरकारी तंत्र होगा, उसमें सब कुछ सरकार के नाम पे किया जाएगा, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहता है। तटस्थता कि भाई उनको किसी पब्लिक की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल रहना चाहिए उनको सदैव। तो ये जो दो बातें थी, इसमें इनका बहुत फोकस था कि ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको इस पे कुछ बदलाव होना चाहिए। तो अब जब ये संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था अमेरिका, तो उस समय के जो युवा चिंतक थे, उन लोगों ने कुछ चाहा कि भाई अब जो है प्रशासन में कुछ नवाचार आना चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए। और इस तरह से इन्हीं सब कारणों की वजह से जो एनपीए आंदोलन है, जिसको कह रहे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन, ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ा। अब तीन घटनाएं और घटती हैं जिसकी वजह से तीन घटनाएं थी क्या? कारण, तीन ने कारण बनाया, और तीन हैं जो इस कारण का जो निदान है उसके लिए अब एक तरह से मेन रोल प्ले करेंगी। निदान तो क्या है? तो सबसे पहले एक भाई साहब थे हनी, तो जो हनी थे उनको, राजनीतिक चिंतक थे ये भी, इनको कहा गया कि भाई, ये स्कॉलर थे, इनको कहा गया कि आप जो है आप पूरा अध्ययन करिए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या इसमें सुधार होना चाहिए, हमको रिपोर्ट दीजिए। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। ये बात 1967-68 की है। इसी तरह से फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इन सब बातों पे चर्चा की गई,
और इस तरह से एनपीए जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो बनना स्टार्ट हुआ। और तीसरी जो घटना है सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूएस में एक जगह है मिन्नो ब्रुक नाम है उसका, यूएस में ब्लू माउंटेन के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है, मिन्नो ब्रुक। तो मिन्नो ब्रुक में 1968 में जितने भी उस समय के स्कॉलर्स थे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड के, सबको बुलाया गया और इस तरह से एक सम्मेलन होता है। तो ये जो तीन घटनाएं थी, हनी रिपोर्ट, दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन और तीसरा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, ये जो तीन घटनाएं थी, यहाँ से पूरी तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है किसका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब क्या है जो नव लोक प्रशासन है, वैचारिक रूप से विचार क्या है इसके, तो चलिए अब देखते हैं इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए, जो नया लोक प्रशासन है वो पुराने वाले लोक प्रशासन को बदलने के लिए कुछ लक्ष्य देता है सामने, कुछ लक्ष्य देता है और कहता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे बचा जाए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे बचा जाए। तो नव लोक प्रशासन कहता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनको तुमको लागू करना है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नहीं लागू करना है। तो जिनको लागू करना है उनको तो बोला गया गोल, और जिनको नहीं लागू करना है उनको बोला गया एंटी गोल। ठीक, गोल और एंटी गोल, लक्ष्य और प्रतिलक्ष्य। तो इन्हें समझाया है रॉबर्ट टी गुलाम बस्की ने। अब देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनका कहना है कि गोल्स में देखिए 6 बातें होनी चाहिए। जो गोल है, जो गोल होना चाहिए लोक प्रशासन का, उसमें पहली बात होनी चाहिए संवेदनशीलता, दूसरी बात होनी चाहिए कि पब्लिक ओरिएंटेड हो, जन उन्मुख हो, तीसरी बात होनी चाहिए उसमें इनोवेशन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, चौथी बात जो है उसमें इक्वालिटी और डेवलपमेंट होना चाहिए, पांचवी बात है उसमें चेंज होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, और छठवीं बात है उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। अब इनको एक एक करके हम डिटेल से बात करते हैं। और एंटी गोल क्या है, एंटी गोल जैसा कि हमने आपको बताया कि जिसका एनपीए विरोध करता है, कौन सी बातें हैं जिनका विरोध करता है, तथ्य उन्मुखता, मतलब आपने देखा होगा सरकार सरकार जो है आंकड़े दे देती है और आंकड़ों से साबित करने की कोशिश करती है कि वो सही काम कर रही है, अपनी गलतियों को छुपा लेती है सरकार, प्रशासन अपनी गलतियों को छुपा लेता है किनसे, तथ्यों से, कि देखिए भाई अभी तो हमारा, जैसे उदाहरण के लिए कोविड सिचुएशन में ही आप देख लें कि आंकड़ों को जो है इधर से उधर किया जा रहा है और आंकड़ों से सही स्थिति पता नहीं चल पाती है। नौकरशाही, तो नौकरशाही में जैसे सरकारी फाइलें हैं एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रह जाती है और जो यथार्थ काम है वो नहीं हो पाता है, इसको भी मनाही की गई, तथ्य उन्मुखता की मनाही की गई और नौकरशाही की मनाही की गई। पद सोपानीय व्यवस्था में क्या होता है कि एक अधिकारी होता है वो कहता है हमारे पास भाई कुछ ही बातें हैं जिनमें हम निर्णय ले सकते हैं, बाकी और जो आपको काम कराना है उसके लिए हमको ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऊपर वाले के पास भी कुछ लिस्ट होती है जिनमें वो निर्णय ले सकता है, फिर वो कहता है कि नहीं कुछ और भी निर्णय है जिसको हमसे ऊपर वाला निपटा सकता है। तो इसको कहते हैं पद सोपानीय व्यवस्था, यानी हायरार्कियल सिस्टम। तो हायरार्कियल सिस्टम में क्या होता है कि इनको इनको कुछ खुद से कुछ स्टेप लेने की आज़ादी नहीं होती है, तो इसको भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। पूरी तरह से पूर्ण तार्किकता, बिल्कुल तर्क, तर्क क्या होते हैं, तर्क होते हैं कि भाई आपने सही समय पे सही बात रख दी और अपनी बात को सिद्ध कर दिया। तो जो नवीन लोक प्रशासन वो कहता है कि बिल्कुल तर्कों से केवल नहीं काम चलता, कई बार तर्कों से परे जा करके हमें सोचना पड़ता है, तब जा करके हम जो यथार्थ में सही काम है वो कर पाते हैं जनता की भलाई के लिए। आर्थिक मानव, आर्थिक मानव का मतलब है कि नवीन लोक प्रशासन कहता है कि देखिए आप केवल मनी ओरिएंटेड हो करके, आप केवल ये चाहें कि भाई आर्थिक लाभ जिसमें है, आर्थिक रूप से मितव्ययी हो करके आप काम नहीं कर सकते। देखिए पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो जनता की भलाई होना चाहिए। तो आर्थिक मानव की भी इन्होंने आलोचना की और उसको एंटी गोल में रखा। और ये बात जो राजनीति प्रशासन द्विभाजन है, जहाँ से शुरुआत हुई थी लोक प्रशासन की, शुरुआत कैसे हुई कि कहा गया कि यार राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है, तो ये लोग कहते हैं ना ना ये बात ठीक नहीं है, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब जो बातें हमने देख ली, लक्ष्य क्या है, प्रतिलक्ष्य क्या है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो हम पहले जो लक्ष्य हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, तो लक्ष्य में
या गोल में, या ये कहें कि नव लोक प्रशासन जो आज की हमारी हेडिंग है, इसके गोल क्या है। तो गोल में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब ये है कि जो लोक प्रशासक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसको केवल अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है ना केवल वो पूरा करना चाहिए, बल्कि उसकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भी महसूस करना चाहिए। आप ये अपेक्षा की जाती है, नवीन लोक प्रशासन का मतलब ये हुआ कि लोक प्रशासक से अपेक्षा की जा रही है कि आप अपना केवल जो ड्यूटी है कि हम भाई इतने से इतने बजे तक हमारा टास्क है, काम पूरा, अब हम कोई बात नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि सामाजिक दायित्व क्या है आपका, आपको देखना पड़ेगा कि समाज कौन सी समस्या से गुजर रहा है। अगर कोविड सिचुएशन चल रही है और पैंडेमिक वाला पीरियड चल रहा है, तो आपको अब अपना जो भूमिका है, भूमिका में थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये अपेक्षा रखी जाती है किससे, लोक प्रशासक से। और ये भी देखना होगा कि केवल आप तकनीकी रूप से नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमारा तो टेक्निकली हम इस काम को, हमको ये बोला गया है, ये वाला काम तो हमारे जिम्मे है ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको काम दिया गया है सार्थक कितना हो पा रहा है। जैसे कि मिड डे मील है, मिड डे मील कहाँ कहाँ मिल रही है, केवल आप ये जा कर के देख लें और टिक कर दें कि हाँ भाई यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, इससे काम नहीं चलेगा। सार्थक है कि नहीं है ये देखिए ना, मिड डे मील यहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, पोषक तत्व उसमें हैं कि नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको और देखना पड़ेगा, क्योंकि वही लोक प्रशासक ही है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है जनता की समस्याओं के। फिर अगली बात है मूल्य। तो देखिए, लोक प्रशासक को तटस्थ होना चाहिए, ऐसा पहले माना जाता था, लेकिन नवीन लोक प्रशासन कहता है कि नहीं भाई, आपको संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता तटस्थता के जस्ट बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। तटस्थ का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, भावों से आप भावुक नहीं है बिल्कुल, आप भावनाएं आपको प्रभावित नहीं कर पाती, भावनाएं प्रभावित ना कर पाएं, इसको कहा जाता है तटस्थ होना। और भावनाओं की वजह से फिर आपको अपनी जो ड्यूटी है उसका एहसास हो जाए कि आपको ये भी करना चाहिए, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक, तो ये माना जाता है नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत कि जो प्रशासक है वो जनता के मध्य सहृदय रूप से और दैनिक समस्याओं को समझकर समाधान विकसित करें। क्योंकि पुराना जो मॉडल था लोक प्रशासन का, बेबर वाला जो मॉडल था, उसमें नौकरशाही जो है, नौकरशाही होने की वजह से, नौकरशाही का मतलब कि भाई जो हमने बताया अनामता वाली बात, अनामता, तटस्थता, ये सब फीचर्स किसके हुआ करते थे, बेबर ने जो लोक प्रशासन बताया था। तो बेबर का जो लोक प्रशासन था उससे नौकरशाही जो है संवेदनाओं को समाप्त कर देती है। जो अफसर होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही रो रहा है, कोई कितना ही कष्ट में है, जब क्या हो जाता है, जब अनामता हो जाती है और तटस्थता हो जाती है। तो वेबर के खिलाफ है कौन, नवीन लोक प्रशासन। तो जो वेबर ने जिस प्रकार से प्रशासन, लोक प्रशासन को बताया था, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट है कौन, नवीन लोक प्रशासन। फिर उसके बाद बात करते हैं समता की। तो भाई ये समता तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले अपेक्षा नहीं की जाती थी, पहले भी अपेक्षा की जाती थी, पर अब इस पे जोर ज़्यादा है कि देखिए सरकारी सेवाओं का जो लाभ है वो समाज के सभी लोगों को मिल सके, तो प्रशासक ही ऐसा कर सकता है कि ऐसे लोगों के लिए प्रयास करें जो कि आर्थिक रूप से कैसे हैं, पिछड़े हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं और शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा अगर लोक प्रशासक करता है तो फिर समता समाज में आ सकती है। फिर अगली बात जो नवीन लोक प्रशासन कहता है वो क्या कहता है कि भाई लोक प्रशासन ये जो विषय है ना बहुत डायनेमिक है, ये जो फील्ड है बहुत डायनेमिक है, तो इसलिए यथास्थितिवादी होने की जो प्रवृत्ति होती है प्रशासकों की, जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो चाहते हैं जैसी व्यवस्था बन गई है उसमें बदलाव ना किया जाए, तो इसको कहते हैं यथास्थितिवादी होना। तो जो ये प्रवृत्ति होती है इससे बाहर निकला जाए और गतिशील बनाया जाए किसको, लोक प्रशासन को, परिवर्तनशील बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ नाम हैं, जैसे कि किरण बेदी हो गई, इन्होंने तिहाड़ जेल में बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे टीएन सेशन हो गए, इन्होंने चुनावों में बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे अनिल लखीमा हो गए, इन्होंने नवी मुंबई को लेकर के किस तरह से वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए इस पर बहुत काम किया। तो इन्होंने अपने लीक से हट करके काम किया, अपने आप को डायनेमिक और परिवर्तनशील रखा, इसलिए इनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है।
फिर अगली बात है ग्राहक उन्मुख। ग्राहक उन्मुख का क्या मतलब है कि देखिए आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एक प्राइवेट स्कूल होता है और जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, सामान्यतः ये मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% यही बात हो, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होती है वहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि जो क्वालिटी है एजुकेशन की उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल होती है उसमें सामान्यतः देखा गया कि भाई वहाँ केवल खाना पूर्ति होती है कि हाँ स्कूल में टीचर चले जाएँ, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं किस तरह से पढ़ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मिड डे मील है, अब मिड डे मील का निर्देश दिया गया कि भाई मिड डे मील मिलनी चाहिए, लेकिन मिड डे मील का पोषक स्तर क्या होना चाहिए, मिड डे मील जहाँ मिल रही है वो वातावरण कैसा है, मिड डे मील जो बना रहा है क्या वो साफ सफाई से बना रहा है, तो ये सब बातें तो क्योंकि फाइल कानून में नहीं लिखी हुई हैं कि इन सब का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे ये काम लोक प्रशासक का हो जाएगा कि जनता संतुष्ट हो ऐसा काम करना है, यानी कि ग्राहक उन्मुख बनना है। आपको ये मानना है कि जैसे आप दुकानदार हैं और सामने जो जनता है वो ग्राहक है, तो जैसे दुकानदार ग्राहक के लिए बहुत आतुर रहता है कि ग्राहक संतुष्ट रहे, नहीं तो ग्राहक अगर संतुष्ट नहीं होगा तो दुकानदारी नहीं चलेगी, तो इसी प्रकार से प्रशासक को भी सोचना चाहिए। तो कहना चाहिए कि NPA चाहता है कि भाई प्रोएक्टिव भूमिका निभाए, माने पहले से स्वयं से एक्टिव हो जाएं लोक प्रशासक। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे जो नवीन लोक प्रशासन है वो कहता है कि इनसे प्रशासन को बचना चाहिए, तो रॉबर्ट कोलम्बस्की बताते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं कि देखिए प्रत्यक्षवाद का विरोध होना चाहिए, एंटी पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म होता है आंकड़ों में सारी बातें बताना, सब कुछ आंकड़ों में रहे, तथ्यों में ज़्यादा भरोसा करना, लेकिन तथ्य जो होते हैं वो बड़े अनिश्चित होते हैं, तथ्य जो होते हैं वो बड़े अनिश्चित होते हैं। जैसे कोविड में कितनी मौतें हो रही हैं, केवल आप तथ्यों से बात कर सकते हैं, भाई बहुत सारी मौतें हैं जो रिकॉर्ड में आ ही नहीं पा रही हैं, तो ये तथ्य जो होते हैं बड़े अनिश्चित टाइप के होते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन कहता है कि भाई इससे बचो, क्योंकि इस तथ्य जो हैं वो केवल प्रशासन को और अधिक कठोर बना देते हैं कि हाँ इतनी मृत्यु हुई, हमको इतना काम करना है, बाकी और काम नहीं करना है। तो होना चाहिए कि लोक प्रशासन अनुकूल रहे, ग्रहणशील रहे, समस्या समाधान करने वाला रहे, ना कि तथ्य उन्मुख रहे। फिर अगली बात है प्रौद्योगिकी का विरोध करता है नवीन लोक प्रशासन। अब थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है कि प्रौद्योगिकी का विरोध क्यों कर रहा है, नहीं इसका आशय समझिए, है ना, शब्दों पे मत जाइए। आशय क्या है, आशय ये है कि भाई जब किसी प्रशासन में इंसान को केवल एक मशीन का पुर्जा समझ लिया जाता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में मान लीजिए कार बन रही है, तो उसमें कुछ लोग हैं जो केवल टायर बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो स्टीयरिंग बस बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बॉडी बना रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अंदर का इंजन बना रहे हैं, तो सबका एक काम फिक्स है, यानी उनका पूरा जितने साल यहाँ काम करेंगे इस कंपनी में उनका फिक्स काम है कि ये यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ये फिक्स है उनको, बस यही किए जा रहे हैं। तो अब इसी प्रकार की व्यवस्था, ये तो ठीक है फैक्ट्री में चल गया, लेकिन अब इसी प्रकार की व्यवस्था आप सभी प्रकार के संगठनों में कर दें, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है प्रौद्योगिकी उन्मुख होना। तो ये कहता है इस तरह से ना माना जाए, मनुष्य को आप किसी मशीन के एक हिस्से के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंदर भावनाएं होती हैं और जिनके लिए उसको काम करना है उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। तो ये मतलब है इसका, आशय इस प्रकार से है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई इंटरनेट से विरोध किया जा रहा है या जो नई तकनीकी संचार के साधनों की उनसे विरोध किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, है ना, ये इसका आशय नहीं है। फिर अगली बात है प्रतिपदक्रम विरोध। तो हायरार्कियल सिस्टम का मैंने बताया अभी, जैसे हमने बात की थी कि हायरार्कियल सिस्टम होने की वजह से जो अलग अलग लेवल में जो कर्मचारी होते हैं उनमें इनोवेशन कम हो जाता है, वो कम क्रिएटिव हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो हमारे काम है ही नहीं, ये तो इनका काम है, इनको लगता है ये तो हमारा काम है ही नहीं, ये तो इनका काम है। तो सबके पास अपना एक एरिया होता है और उस एरिया के बाहर की भी कुछ चीज़ होती है जो उनको लगता है कि इनका एरिया इतना है, इनका इतना, इनका इतना, इनका एरिया ज़्यादा इतना है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ कमी है जो सोच रहे हैं कि वो ऊपर वाला करेगा। तो ये क्या है, हायरार्कियल सिस्टम में इनोवेशन कम हो जाता है, तो इसलिए सृजनशीलता नवीनता को समाप्त करता है। तो ये कहते हैं इनसे भी बचा जाए। अब ये तो हमने दो बातें कर ली, हमने क्या बातें कर ली कि यार नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, नवीन लोक प्रशासन के प्रति लक्ष्य क्या होने चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, एंटी गोल्स क्या होने चाहिए। अब बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं।
तो नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं में बहुत सारी बातें वही रिपीट होंगी जो हमने लक्ष्य और प्रतिलक्ष्य में आपको समझाया है। जैसे कि क्या, जैसे कि बोला गया कि भाई राजनीति तथा प्रशासन का द्विविभाजन अप्रासंगिक है। ऊपर बात हो चुकी है कि यार राजनीति और प्रशासन का जो माना जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, अब नवीन लोक प्रशासन कह रहा है कि नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है, ये बड़ी ही इरिलेवेंट बात हो जाएगी ऐसा बोलना, तो ये अप्रासंगिक है। तो जो नवीन लोक प्रशासन है इस अवधारणा को निरस्त कर देता है। तो नए जो विचारक है उनका मानना है कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग अगर कर दिया जाएगा तो दोनों ही अपूर्ण हो जाएंगे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि अगर आपने दोनों को, राजनीति को प्रशासन से अलग कर दिया तो दोनों ही इनकम्प्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों जो ये फील्ड हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और ये पॉलिटिक्स का, ये भाई अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, ये नवीन लोक प्रशासन मानता है। क्योंकि ये जो दोनों फील्ड हैं, ये दोनों फील्ड एक दूसरे पर इनकी रिएक्शन होती है, एक दूसरे से इनकी रिएक्शन होती है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रभावित करता है राजनीतिज्ञ को, और जो पॉलिटिशियन होता है वो प्रभावित करता है किसको, जो लोक प्रशासक होता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक खराब है तो दूसरा अच्छा बना रहेगा, अगर दूसरा अच्छा है तो दूसरा खराब बना रहेगा, ऐसा नहीं। दोनों ही एक साथ साथ चलेंगे। तो पॉल एप्पलवी का मानना है कि भाई राजनीति, अब हमको यही वाली जो ऊपर हेडिंग है, इसी हेडिंग को बताने वाले कौन कौन से लोग हैं उनका सबका नाम हमको देखना है। तो जैसे एक पॉल एप्पलवी भाई साहब हैं, इनका मानना है कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बिंदु अगर मान लिया तो लोक प्रशासन की जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार्यता है, वो कम हो जाएगी, और इससे फिर कल्याणकारी राज्य जो है वो बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब राज्य की भूमिका लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ करके कहाँ हो चुकी है, कल्याणकारी राज्य के रूप में हो चुकी है। तो अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो ना हो पाएगा भाई, फिर साथ साथ चलेंगे तभी ऐसा हो सकता है, लोक कल्याण तभी हो पाएगा। इसी तरह से और कौन है जो यही वाली बात बता रहे हैं, रॉबर्ट टी गोलमवेस्की, जिनका नाम कई बार आ चुका है, ये कहते हैं कि प्रशासन जो है ना राजनीति पर हावी रहता है, प्रशासन राजनीति पे हावी रहता है, जो यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस पे हावी रहते हैं। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई जो पॉलिटिशियंस है वो बदलते रहते हैं हर 5 साल में, और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो लगभग स्थिर रहती है। तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है किसकी, नव लोक प्रशासन की, वो क्या है, प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादकता का मतलब क्या है कि देखिए, जो पहले का लोक प्रशासन था वो मानता था कि देखिए कम से कम खर्चा होना चाहिए और कार्य बड़े अच्छे से होना चाहिए, लेकिन अब जो नया लोक प्रशासन आ रहा वो कह रहा देखो लक्ष्य हमारा कल्याणकारी राज्य है। पहले जो लोग इसकी वकालत करते थे वो लोग क्या कहते थे, लक्ष्य राज्य का क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको इन दोनों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन नया लोक प्रशासन क्या कहता है कि देखो अब जो लॉ एंड ऑर्डर वाला काम है वो तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा है। अब यार ये तभी हो पाएगी जब आप ये सब छोड़ दो कि मितव्ययता है ना, कम पैसे खर्च हो, ये सब छोड़ो, अधिकाधिक राहत प्रदान करो। अब उसके लिए चाहे घाटे का बजट बनाना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घाटे का चाहे बजट बनाइए लेकिन इसको करिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब सामाजिक कार्यकुशलता बोला जा रहा है। अब ये नहीं है कि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, सोसाइटी को फायदा होना चाहिए। तो घाटे का बजट वाली जो बात है वो इसी तरह से निकल के सामने आ जाती है। अब अगला है मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण का मतलब क्या है, मानवीय दृष्टिकोण का मतलब ये है कि पहले ही माना जाता था कि जो सिविल सर्वेंट है उसको बिल्कुल भी किसी भी इंसान के इमोशन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कार्य और प्रक्रिया में जब इनको बताया गया तो फिर इससे क्या हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर से इनका जो लगाव है वो दूर हो गया। तो अब ये बोला गया कि देखिए मनुष्य एक केवल कल्पुर्जा नहीं है, पहले माना जाता था, पहले समझा जाता था, है ना। लेकिन अब कहा गया कि देखिए ऐसा है कि मात्र आप आर्थिक रूप से मनुष्य को नहीं देख सकते हैं कि इस एरिया में हम विकास कर दें तो हमें आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है यहाँ विकास अगर करेंगे तो हमको कम लाभ होगा, तो इसलिए यहाँ फोकस किया जाए। बोले ये नहीं कर सकते आप, आपके लिए ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। भले ही दोनों जगह, इस जगह पे जहाँ से हमको लाभ नहीं मिल रहा है तो लाभ को छोड़िए, हटाइए लाभ को,
आपका ध्यान किस में होना चाहिए? समाज में होना चाहिए। तो आप कार्य उन्मुख ना बने, आप मानव उन्मुख बने। मनुष्य की जो मनुष्य मात्र के लिए जो सही है वो करिए, आप आर्थिक लाभ हानि छोड़िए, ये नवीन लोक प्रशासन कह रहा है। तो नवीन लोक प्रशासन के बाद जो राजनीति प्रशासन क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो कौन बन गया? मनुष्य बन गया। ठीक, मनुष्य को उत्पादन का यंत्र माना, नवीन विचारधारा लोक प्रशासन के नवीन विचारधारा को निर्मूल घोषित करती है, जिसमें मनुष्य को उत्पादन का यंत्र माना जाता था कि भाई अब ये नहीं ठीक है कि आप केवल आर्थिक रूप से तौल रहे हैं कि ये एरिया है यहाँ विकास करो क्योंकि यहाँ से हमको ज़्यादा राजस्व मिलने वाला है, ये बात ठीक नहीं है, आप हर जगह विकास करिए। फिर अगला है ग्राहक केंद्रित प्रशासन, ऊपर बात पहले ही हो चुकी है, देख लेते हैं निग्रो क्या कह रहे हैं। निग्रो का कहना है कि भाई लोक सेवाओं का अधिकाधिक प्रभावशाली तथा मानवीय वितरण उसी स्थिति में सार्थक सिद्ध हो सकता है जब ग्राहक केंद्रित प्रशासन के साथ प्रशासन में नौकरशाही को दूर किया जाए। तो ये क्या कह रहे हैं? देखो नौकरशाही ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जो है ये जो व्यवस्था ठीक नहीं है, क्या होना चाहिए? ग्राहक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को ऐसे समझिए कि जो आप अभी अपने विकासशील देश में, भारत जैसे देशों में, जो आप सरकार को, सरकारी तंत्र को जिस प्रकार से काम करते हुए देखते हैं उसको नौकरशाही समझिए, और प्राइवेट सेक्टर को जिस प्रकार से काम करते हुए देखते हैं उसको ग्राहक केंद्रित प्रशासन समझिए, ये दोनों में अंतर। ठीक, तो भाई लोक सेवाओं का अधिकाधिक प्रभावशाली और मानवीय वितरण उसी स्थिति में सार्थक हो पाएगा जब ये हो और ये ना हो, ये हो और ये ना हो। फिर अगली बात है एक प्रगतिशील विज्ञान। तो भाई देखिए ऐसा है कि हमने पहले ही कह दिया कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा डायनेमिक नेचर है इसका, इसको चाहिए कि जो सिद्धांत तकनीक की जो खोज है, समर्थक ही मानते हैं कि सिद्धांत तकनीक के कारण लोक प्रशासन की मूल आत्मा नष्ट हो जाती है जिसके कारण लोक प्रशासन एक अनपेक्षित दृढ़ता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो प्रगतिशील जो विज्ञान है वो ये कहता है कि भाई जो आप सिद्धांतों पर अगर केवल चलोगे, आप अगर केवल सिद्धांतों पर चलोगे और जो तकनीकी रूप से, तकनीक का एक हिस्सा जब आप इंसान को ही मान लेते हो तो फिर आप क्या हो जाओगे? आप एक कैसा विज्ञान बन जाओगे? स्टैटिक विज्ञान, स्टैटिक साइंस बन जाओगे। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि आप प्रगतिशील बनिए, आप क्या बनिए? प्रगतिशील बनिए, इन सिद्धांतों से आगे बढ़िए, जो तकनीक टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज़ जो हैं, टेक्निकलिटीज़ में टास्क फिक्स हो गया है उससे आगे बढ़िए, टास्क जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है, बदलाव होना चाहिए जनता के कल्याण के लिए। तो ये बात हो गई, ये कहे जाते हैं। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन जब करते हैं हम नवीन लोक प्रशासन का, तो एक बात बताते हैं ये कि देखिए ये अराजकतावादी चिंतन है आपका, और बात ये है कि आप जो हैं राजनीति का जो क्षेत्र है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो बने बनाए कानून हैं उनसे आगे बढ़ करके जनता की मदद की जाए, ठीक है, विकेंद्रीकरण हो, तो ये सब क्या है? आप राजनीति का एक तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। नीतियां बनाना इसका राजनीतिज्ञों का काम है, आप उसमें क्यों दखलंदाजी का? आपको तो जितना कहा जा रहा है बस आप उतना ही करिए। तो इस प्रकार से आलोचक ये बात कहते हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि देखिए आप लक्ष्य तो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कैसे हो ये बताइए ना, समाधान तो आपने बताया ही नहीं, आपने तो ये बता दिया कि आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए ये भी बताइए ना। और आलोचना में तीसरी बात जो बताई जाती है वो है कि देखिए ये जो पूरी बातें की जा रही, नवीन लोक प्रशासन का उदय तीन बातों से हुआ है ना, मिन्नो ब्रुक हुआ, फिलाडेल्फिया है और हनी रिपोर्ट, तो ये सब ये अमेरिका की बातें ना हैं, तो ये सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता इसे, ये अमेरिकी पृष्ठभूमि पर आधारित बातें हैं तो इनको सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। तो ये थी बात नवीन लोक प्रशासन की। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।